हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो 10 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर देखें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 4% की गिरावट देखने को मिली है, तो एक महीने में इस स्टॉक में 6.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 3 महीने में 12%, 6 महीने में 7% और 1 साल में 11% की गिरावट देखने को मिली है। लगातार देखिए तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने 2 साल में 276% के पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक का एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 70 रुपए। 70 रुपए इस स्टॉक में इस पॉइंट पर हाई बना। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 40 रुपए। 40 रुपए इस स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 43 रुपए, 43 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 53 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।